क्या तीसरे ओडीआई मैच में शिवम दुबे की जगह रियान पराग का डेब्यू हो सकता है? वेल, शिवम दुबे वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आईपीएल में कहा गया कि ये युवराज सिंह, लेकिन अब मीम बनाने वाले उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं यार युवराज तो नहीं है। आईपीएल में कहा गया कि यार ये वो खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। अब मजाक बन रहा है कि भैया स्पिनर को अच्छा तो खेलते हैं, लेकिन तब जब गेंद स्पिन ना हो रही हो। दुबे जी कहने को 3D प्लेयर, लेकिन समस्या यह है कि गेंदबाजी वो 115-120 किलोमीटर पे करते हैं, T20 में कराई नहीं गई, वनडे में 2-4 ओवर हो गया, फील्डिंग वो कर नहीं पाते, कैच ड्रॉप करते रहते हैं, और बैटिंग में दोनों मैच में कांड कर दिया। पहले में थोड़ा बहुत चले, लेकिन जब 14 बॉल पर एक रन चाहिए था तो विकेट गंवा दिया, इंडिया मैच टाई हो गया। दूसरे वाले में कहा गया चलो जी प्रमोशन कर देते हैं, ऊपर भेज देते हैं, 4 नंबर पर बैटिंग करने आए और 4 गेंद खेलकर टाटा बाय बाय हो गए। अब सवाल लोग उठाने लगे कि यार क्यों खिला रहे, T20 वर्ल्ड कप पूरा खिला दिया, एक मैच नहीं चले, यहां पर भी खेल रहे हैं, इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए काफी मैचेस खेलने के बाद भी, तो क्या रियान पराग को ट्राई किया जाए? श्रीलंका में स्पिन कंडीशंस भी है, रियान की गेंद काफी टर्न भी होती है, रियान बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं, क्यों ना रियान को ट्राई किया जाए। फिलहाल शिवम दुबे अगर आप बात करें तो 24 बॉल 25 रन फर्स्ट मैच में, एक रन चाहिए था, 14 बॉल पे आउट हो गए थे, सेकेंड में 4 बॉल पे 0। T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत बड़ा जबरदस्त कुछ हुआ नहीं, इंडिया जीत गई इसलिए कोई बात नहीं हुई, वरना 8 मैच में सिर्फ 133 रन उनके थे, 34 रन बनाए थे एक बार, बाकी किसी मैच में कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं था कि जिताने वाली पारी अकेले खेल कर आए। मजाक काफी बन रहा था, गेंदबाजी हमने कहा 120 किलोमीटर वाली है, फिर कैचेस भी ड्रॉप करते हैं, जैसे पिछले मैच में आप याद कीजिए कविंदू मेंडिस का एक कैच था, 9 रन पर खेल रहे थे, ड्रॉप कर दिया, बाद में भाई ने 40 रन ठोके, इंडिया 32 रनों से हार गई। रियान के बारे में थोड़ी अलग कहानी है, रियान क्या है कि रियान थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, कई लोग मानते हैं कि रियान थोड़ा मिडिल ऑर्डर में भी चढ़ के खेलते हैं, और चढ़ के खेलने वाला खिलाड़ी इस टाइम इंडिया को चाहिए, जो क्योंकि कंडीशंस अलग है, रोहित खुद कहते हैं कि यार इन कंडीशंस में ज़्यादा रन बनाना है, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना है, मिड ओवर्स में पावर प्ले मिलता है, रियान पराग वहाँ गेम चेंज कर सकते हैं। रियान पराग स्पिन गेंदबाजी करते हैं, श्रीलंका के सामने T20 में अच्छा इंपैक्ट डाला था, जैसे पहले मैच में 3 विकेट निकाले थे, सेकेंड मैच में 4 ओवर में 30 रन, थर्ड मैच में 4 ओवर 27 रन, बैटिंग की थी 18 पे 26 मारा था, सो ओवरऑल वहाँ पर वो बेहतर थे, इनकी गेंद भी अच्छी टर्न हो रही थी, 3.7 डिग्री टर्न हुई थी, और पिछले मैच हमने देखा किस तरह से गेंद टर्न हो रही थी, रियान भी स्लो करके टर्न कराते हैं, अगर श्रीलंका और बाकी लोग अच्छी गेंदबाजी करें तो रियान भी एक अच्छे ऑप्शन है वहाँ पर। और रोहित ने इस बात जो कही उससे भी संकेत मिला कि रियान को मौका मिल सकता है, क्योंकि रोहित ने कहा कि यार मैंने 65 रन इसलिए बनाए क्योंकि मैं रिस्क ले रहा था, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता 50 का, लेकिन ये बात है कि मैं अपना इंटेंट खेलता हूँ, मैंने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया, यू नीड समवन लाइक रियान पराग, बिकॉज रियान पराग एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, और अभी डिफेंडिंग नहीं चाहिए, अक्षर पटेल रन क्यों बना ले रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में सब संघर्ष कर रहे हैं, अक्षर बना ले रहे हैं, रोहित बना ले रहे हैं, वो थोड़ा एग्रेसिव खेल रहे हैं। इंडियन टीम फिलहाल मैच हार रह चुकी है, सेकेंड मैच, थर्ड मैच में इज्जत आबरू सब लटकी हुई है, पहले मैच में 75-0 था, 230 ऑल आउट हो गए, रोहित भाई ने अकेले खेला था, सेकेंड मैच में भी यही कहानी हुई, 97-0 था, फिर 208 पे 10 हो गया, रोहित गए तो लगा कि पूरी टीम खत्म, रोहित भाई को हटा दो तो कोई खेल ही नहीं पा रहा यार, और यही सवाल शुरू हो रहा है कि क्या हो रहा है, और क्या इस बवाल के बीच में एंट्री हो सकती पराग की। वैसे पराग ने आईपीएल में भी ठीक किया था, मतलब दुबे से अच्छा किया था, 16 मैच में 573 रन थे, 52 का एवरेज था, 150 का स्ट्राइक रेट, 4 शतक, बैटिंग वैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी, बॉलिंग भी डिसेंट है, फील्डर कम से कम तमीज़ के हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। ऋषभ पंत भी एक ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप बॉलिंग नहीं चाहते हो तो, आप चाहते हो केवल बैटिंग करने के लिए, क्योंकि आपके पास स्पिनर हैं, अक्षर पटेल हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, कुलदीप हो गए, 3 स्पिनर, 2 तेज गेंदबाज, काम बन गया, रोहित भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं अगर आप पराग को नहीं लाते हो। बट फिर सवाल वही है कि शिवम दुबे की अगले मैच खेलेंगे, आई बिलीव कि शायद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए, शायद ड्रॉप कर दिया जाए, व्हाट्स योर टेक?